इसका मतलब जब हम यहां पर आए तो ये छुरी घर पर नहीं थी? फिर जरूर कोई ना कोई झूठ बोलेगी। ओए, ये कुड़ी तो खुद ही अपने लिए गड्ढे खोदने को उतारू हो गई है। माय गुरु, तुम यहां क्या कर रही हो? वो मम्मी जी, मैं तो बस आपकी मदद करने आई थी। मैंने कहा था तुम्हें, जाओ अंदर जाओ। हे वाहे गुरु, जो भी कुछ अभी हुआ ना, उस बारे में मम्मी जी किसी और को ना बोले बस, नहीं तो ना बड़ी मुसीबत हो जानी है। अब तो बस ये व्यार राजी खुशी न पड़ जाए। निम्मी, अंदर जाओ। इस तरह घूमने से कुछ होगा? आखिर शगुन की रस्म में हम कब तक देर करवा सकते हैं? सब क्या कहेंगे? कार्तिक की दादी और खासकर उसकी वो बेहद परफेक्ट माँ। आंटी जी प्लीज, आप शांत हो, लवली बस आती ही हो। आने तो दो उसको, देखना क्या हाल करूंगा मैं उसका। और ये लवली जितनी मनमानी कर रही है ना, सब तुम्हारी वजह से। तुमने जिंदगी में माँ का कोई भी फर्ज नहीं निभाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, सब मेरी वजह से। तो फिर लवली भी तो। आंटी प्लीज, अंकल जी प्लीज, नीचे सब बैठे हुए हैं, आप लोग झगड़ा मत करिए। सीखो, इससे सीखो। बेटा जी, बहू जी, थोड़ा धीमे आवाज आ रही है। बेटा जी, अब कंवरसा की दादी साहब से बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, वो तो कह रही है कि रस्मों में इतनी देरी क्यों हो रही है। जाओ, अब तुम ही संभालो, मुझसे कोई जवाब देते नहीं बनेगा, जाओ। ऐसी सिचुएशंस में आप हमेशा मुझे ही आगे धकेल देते हो। अरे अब जाओ भी। अभी अभी हमने जो देखा उसके बारे में सबको बताना तो पड़ेगा, वरना उस छोटी लवली और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा। देखिए, हम आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं। ओए होए, मम्मी जी जरूर लवली के बारे में ही बताएंगी। जी कहिए। हम लोग सिब्बू सिमरन भी आ गए। अरे गुड्डा यहां रख दो बेटा। अरे छोरी किधर है? छोरी को ना लाई। अरे थारी छोरी किधर है? देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि लवली लवली आ रही है।
चीज छोरी है जिसे मैंने रसोई की खिड़की से अंदर जाते हुए देखा था। सुंदर तो है लेकिन व्यवहार में अपनी जिठानियों जैसी हो, तब चोखो है। क्यों? अरे क्या गलत कह दिया मैंने? अरे वाह जी वाह, मानना पड़ेगो काकी सा, आपने दुल्हन तो बड़ी सुंदर चुनी है। लेकिन एक बात मारे को समझ में ना आई कि जब मैंने इसको पहली बार देखा था और आपके घर के पास, तब इसने मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों पहना था? क्यों नाड़ी सा? अरे चुप! आरती, तू दिन में भी सपने देखने लग गई है? आजा बेटा, बैठ। अब बैठो। अब ये रसम है ना, बड़े ध्यान से करना। ये थारी गोट टीके की रसम है। अम्मा साहब, इस रसम का क्या मतलब होता है? मतलब ये कि सास की उम्मीदें और प्यार जताने की रस्म होवे है। इसमें सास बहू को खूब सारे तोहफे देकर उसके गोद भराई करती है और साथ में आशीर्वाद भी देती है। सत्तो की बहू, आओ रस्म शुरू करो। जी अम्मा सा। अब सारी लुगाइयां इस तरफ और मर्द इस तरफ, आओ। चलो जी, रसम शुरू करो। बेटा, सिर पे पल्ला रखो। हाँ, शाबाश। इस छोरी के झूठ ने हमें और हमारे परिवार को झुका कर रख दिया। इसी के कारण पूरे परिवार को झूठ बोलना पड़ रहा है। हमारा मन इसे अपनाने को तैयार नहीं, फिर भी पूरे समाज के सामने हमें इसे कार्तिक की पत्नी बनाना पड़ रहा है। लवली, तेरे झूठ के कारण कार्तिक की मॉम तुझसे सख्त नफरत करती है। बावजूद इसके वो तुझे अपनी बहू बना रही है। मैं भी अपनी तरफ से इनका दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। खुद को एक आदर्श पत्नी बनाकर दिखाऊंगी। चलो, रसम का एक भाग तो पूरा हुआ। रसम के दूसरे भाग के लिए बिन के बहन की जरूरत है, लेकिन बहन तो कोई है नहीं, इस करके भाभी ये रसम पूरी करेगी। आओ करो।
देवी माँ थारी को जल्दी से हरी करे और मारे को पड़ पोता दे दे। चलो जी, ये रसम हुई, अब मेहंदी की रसम कल करेंगे। जी, कल हम लोग मेहंदी के लिए भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि बहू के हाथ में पहला फूल सासी काटती है। अच्छा, लेकिन इसमें छोराओं को कोई काम नहीं है। अम्मा साहब, ये तो गलत है, हम हर इसमें रहेंगे। हाँ अम्मा साहब, आदि एकदम सही कह रहे हैं, ये तो गलत बात है ना, है ना? अरे बेटा, ये अन्याय तो हम मर्दों पर सदियों से होता चला आया है, क्या बताएं? अब अम्मा साहब ने ना कह दिया है तो इसका मतलब ना? और नहीं जी, ये कोई बात नहीं है, हमारे कार्तिक की शादी हो रही है, हम तो सारे रस्मों में रहेंगे, उसका पूरा पूरा मजा लूटेंगे। हाँ अम्मा साहब, इन बच्चों का ख्याल रखिए। ठीक है, एक बात हो सके है, मेहंदी की रस्म पूरी होने के बाद गावे बजावों की रस्म भी पूरी कर लेते हैं, ताकि छोरा लोग संगीत में भाग ले सके। खुश तो ये तो चौखा है। हाँ। आगे दीजिए। अच्छा चले। नमस्कार, नमस्कार। लास्ट मैं सलमान खान से मिली ली, और तुझे पता है उसने मुझे कितनी सारी बेस्ट विशेस दी। मैं यहाँ पे सलमान से मिलने आई हूँ, जस्ट टू मेक माय कार्तिक लिटिल फील मोर जेलस। लवली, तू सलमान खान से मिलने गई थी जबकि तुझे अच्छे से मालूम था कि आज तेरा शगुन होने वाला है। ताने मैं क्या करती, मुझसे रहा ही नहीं गया। बस लवली, हाँ कहाँ गई थी तुम? डैड, वो ये तो हमें मालूम था कि तुम नाटक मंडली से जुड़ी हुई हो, लेकिन ये नहीं मालूम था कि सांसद सुबोध कुमार त्यागी को अपनी शादी के नाटक का विदूषक बना के छोड़ोगी। मालूम है क्या हालत थी हमारी, कितने परेशान थे हम लोग। अपनी शादी को भी मजाक बना के रखा है तुमने। डैड प्लीज, आप ऐसे मत कहिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे वाह, नई बात, आज गलती भी मान रही है। मॉम, डैड, मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने गई थी, इन सब में ना देर हो गई। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो आप जो चाहे कह लीजिए। अच्छा ठीक है, जल्दी से सो जाओ, कल दो दो फंक्शंस हैं। चलो ठीक है, लेकिन हाँ, जब तक शादी नहीं हो जाती दोबारा कहीं भी जाओगी तो हमें बता के जाओगी। हो गया। लवली, तूने अंकल आंटी से झूठ कहा सो कहा, लेकिन तूने सलमान की वजह से अपनी शादी को खतरे में डाल दिया।
तुझे पता भी है हम लोग कितने परेशान हो गए थे सब यहाँ पे। ठीक है ना यार, हो गई बेवकूफी। अब तू ही बता कि मैं सलमान खान से मिले बगैर कैसे रह सकती थी, बोल। और वैसे भी अब तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो तो गया है। थैंक गॉड भाभी, और लवली सही समय पे घर पे पहुंच गई, नहीं तो आज बहुत बड़ा ड्रामा हो जाता। ओए वही तो, लेकिन अब मैं जो तुझे बात बताऊंगी ना, वो सुनकर तो तेरा दिमाग ही घूम जाना है। क्या? तो समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। भाभी अगर लवली ने ऐसे कारनामे करना बंद नहीं किया ना, माँ उसे कभी नहीं अपनाएगी। आप रुको भाभी, मैं अभी उसे टाइट करता हूँ। ओए कार्तिक, मैं क्या कह रही थी, छोड़ ना, जो हुआ सो हुआ, अब तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है। मैं तो बस ये कह रही थी कि देख, तू ना उसे प्यार नाल धीरे धीरे ये समझा दे कि अब ये उठपटांग हरकतें करना ना बिल्कुल बंद कर दे। ओए कार्तिक, वैसे भी शादी को कितने दिन है, उसको बस इतना बोल कि बस सब कुछ शांति से निपट जाने दे। भाभी मैं तो उसे समझा दूंगा, लेकिन वो समझनी भी तो चाहिए, कुछ समझती कहाँ है वो। मिस्टर कर, जी हाँ, आप ही को बुला रहे हैं। जी सांसद जी, आज्ञा करिए। क्या आज्ञा करें भाई, आपको तो स्वयं समझना चाहिए कि कौन से परिवार की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये किसी आम आदमी के घर की शादी नहीं है, ये सांसद सुबोध कुमार त्यागी की पुत्री का विवाह है। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप बिल्कुल नहीं जानती हमारी गरिमा, हमारे मान सम्मान के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। देखिए ना, आपने ये जो फूल लगवाए हैं, हर दूसरे घर में यही फूल सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बहुत बहुत सादा सादा सा लग रहा है। काम करिए, वो आजकल नए किस्म की लाइट आई है ना, उन लाइट से पूरे घर को सजा दीजिए, थोड़ी रोशनी भी हो जाएगी और थोड़ा ब्राइटनेस आ जाएगी। पर सांसद जी, आपने तो सिर्फ इतना ही बोला था। मानते हैं कि हमने आपसे नहीं कहा था, लेकिन इस वक्त जरूरत है। ठीक है, सुनिए, पूरे घर के लिए सीरीज लाइट की व्यवस्था करिए, जाइए। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे घर में आने वाले मेहमान जिंदगी भर यहाँ के इंतजाम और डेकोरेशन को याद रखे। सिर्फ आधा घंटा दीजिए, आधे घंटे में सब हो जाएगा। प्लीज प्लीज जाइए। अरे जी सर, ये क्या, ये दीवान अभी तक नहीं लगे। देखिए, ये खास मेहमानों के लिए लगने वाले हैं, पर ध्यान से लगाइएगा। सिर्फ आधा घंटा दी। जल्दी कीजिए मॉम। हाँ, ये ड्रेस अच्छी है ना? हाँ हाँ, अच्छी लग रही है मॉम। मुझे वो चाहिए। क्या? वो जो बेल्ट जैसा होता है, जो उसके ऊपर पहनते हैं, वो कमर के ऊपर। अच्छा, कमरधनी। कमरधनी वो पहनने का मैं कब से सोच रही थी, लेकिन देखो ना, कहीं मिल नहीं रहा। बेटा इतनी सारी चूड़ी तो है ना तुम्हारे पास, जाओ जाकर कुछ और पहन लो। नहीं मॉम, हाँ मुझे वही चाहिए, आप ढूंढ के दीजिए ना मुझे। देखो लवली, समझने की कोशिश करो, टाइम कम है और काम इतना ज्यादा, जानती हो ना तुम। हाँ जाओ जाओ, जिद मत करो। दाईजा। हाँ बेटा जी। मुझे ना वो कमरधनी चाहिए, आप जानते हैं ना मुझे वो कितनी पसंद है, कहीं मिल नहीं रही मुझे वो। हाँ बेटा जी, मैं आपको निकालती हूँ। चलो। दाईजा, आपने मेहंदी वाली को समय बता दिया? देखिए दाईजा, सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकती, कुछ जिम्मेदारियां आपको भी बांट लेनी चाहिए ना। जाइए, जाकर मेहंदी वाली को फोन करिए। आप भी करती हूँ मॉम, बस एक मिनट की तो बात। लवली प्लीज जिद मत करो, इतनी सारी ज्वेलरी पड़ी है ना तुम्हारे पास, कुछ भी उठा के पहन लो। हाँ चलो जल्दी से, आप यहाँ क्यों खड़ी, जाइए। चलो चलो जल्दी से तैयार। मेहमानों की सूची चेक कर ली, कोई छूटा तो नहीं है ना? लो जी, काजू पिस्ता बादाम अखरोट और किशमिश हो गए पांच तत्व। निमी भाभी, फल और मिठाई भी रेडी है। रुको रुको, रखो। निमी भाभी, मैं ना आपको देख रही हूँ, प्रेपरेशंस के चक्कर में आप मिठाई खाए जा रहे हो। आपको पता है इसमें कितने कैलोरीज होते हैं? दो दिन खाने से भी ना 1 किलो वेट बढ़ जाता है। और फिर आपको तो पता है ना, पतियों को मोटी वाइफ्स पसंद नहीं है। आपको पता है मेरी कजन के फ्रेंड के साथ क्या हुआ? वो हो गई गोलमटोल, और उसके पति ने कर लिया अफेयर किसी और के साथ। बी केयरफुल। ओए रिया, तू बस कर,
मेरे बिट्टू जी ना बिल्कुल ऐसे नहीं है। हाँ वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और वो तो ना मुझे मुझे ना अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे बिट्टू जी एंड ऑल। या बस भी का अरे काका साहब नमस्ते। आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। आइए काका साहब बैठे। ठीक है आप? अरे वाह साले साहब आ गए आप। आइए 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 स्वागत है। देखिए भाई दूल्हे का मामा जी आ गए। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। कैसे हो आप? बैठो। निम्मी बहू। हाँ जी बेटा सबके लिए पानी लेकर आओ। हाँ जी मम्मी जी आई। सुनो सा हलवाई को कहकर कुछ मिठाइयाँ ज्यादा बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये तुरत फुरत के ब्याह में जो रिश्तेदार नहीं आ सके उनके घर भिजवा देंगे। तो 250 ठीक रहेंगे पहले? चलो मैं भी आ गई मेहंदी के लिए तैयार होके एकदम टिप टॉप। मारे को देर तो ना हुई? काकी साहब आपकी साड़ी तो बड़ी जच रही है। ये भगवान ये शादियां भी कितनी जटिल होती है। ढेर सारी रस्में, एक रस्म खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू। माला बस दो एक दिन की तो बात है, उसके बाद तो ये भार भी कम ही हो जाएगा हमारा। वाकई में लवली तू अपने मॉम डैड के लिए भार है। कोई बात नहीं, मैं ये सब बातें क्यों सोच रही हूँ, बस एक दिन की तो बात और है, और इस एक दिन के बाद मैं अपने कार्तिक के साथ रहूंगी। लेकिन देखो ना शादी मेरी है लेकिन किसी का भी ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। इससे तो अच्छी वही शादी थी जो मैंने भाग के की थी।